हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो गई है आज की वीडियो की, तो शुरुआत में मैं पूजा कर रही हूँ। आज मैं नहाई, मतलब थोड़ा सा लेट ही नहाई थी। सुबह 6 से मेरा ये रूटीन का है, सुबह 6 से 1-1.5 बजे तक का काम काज। तो खाना पीना तो नहीं मैंने बनाते क्योंकि सुबह बहुत टाइम हो जाता है। आज मुझे कपड़े बहुत धोने थे तो थोड़ा लेट नहाई, नहा भी चुकी थी उसके बाद दोबारा मैं समझिए नहाई। पूजा कर रही हूँ और फिर उधर आयुष पीयूष ने भी चाय नाश्ता कर लिया था। इधर बच्चे पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आ रहा था तो मैं बता रही थी, और चाय पहले पी चुके थे, बाद में नहाए हैं सब। फिर मैंने थोड़ा सा बताया इन लोगों को, सिर्फ थोड़ी सी बउआ को पढ़ाने में प्रॉब्लम हो जाती है, वो थोड़ा सा शैतान है, वो उल्टा बताने लगता है, मेरे को ही बताने शुरू कर देता है। तो देखिए मैं पढ़ा रही थी तब भी मस्ती कर रहा। आयुष अपना पढ़ाई कर रहा था, इनका रूटीन है खाना नहाने नाश्ता और नहाने के बाद चाय वाय। सुबह बिना नहाए हो जाता लेकिन नहाने के बाद लोगों को बैठा देते हैं करीब 1.5-2 घंटे के लिए पढ़ाई करने के लिए, ताकि ये लोग पढ़ाई करें। आयुष खुद भी पढ़ता है, अपने भैया को भी पढ़ाता है। उसके बाद मैं इधर किचन में आ गई थी, किचन में थोड़े से बर्तन पड़े थे चाय वाय के, तो मैं वही धुल रही थी चाय के बर्तन। और थोड़ा सा खाना बनाने के बाद सेल्फ अप गंदी थी, गैस गंदी थी और प्लेटफॉर्म गंदा था, तो वही साफ करना था, इसलिए किचन में थी मैं। तो मैं यहाँ पर सुबह का और दोपहर का एक साथ ही खाना बना लेते हैं। तो थोड़ा सा रोटी बनाई थी मैंने, तो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी। रोटियाँ बनाने के बाद मैं दोपहर की जो गैस साफ ऑफ करना वो कर रही थी, किचन की साफ सुबह और दोपहर का एक साथ ही हो जाता है, तो एक साथ फिर साफ कर देते हैं ताकि शाम को जब हम 4 बजे से शुरुआत करते हैं काम की तो साफ़ सुथरा रहे। तो पूरा प्लेटफॉर्म मैंने साफ़ किया यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और रात में भी यही करती हूँ शाम के खाने के बाद। अभी बउआ के लिए और पीयूष के लिए मैंने थोड़ी सी दलिया बनाई ताकि बच्चे थोड़ा सा खा लें, खाने में भी टाइम है, और इसके बाद बच्चे खा लेंगे। फिर थोड़ी सी पढ़ाई हो चुकी थी तो टीवी देख रहे थे खाते अपना। उसके बाद मैं कपड़े पहले ही सुबह धुल के रखे थे और जो नहाए थे वो पहला रही थी, जो सूख गए थे वो उठा रही थी। आप देखिए धूप भी कितनी तेज़ है, बहुत सारे कपड़े धुले थे और जो सूख गए थे वो उठा रही थी, और जो फैलाने थे मैं आई थी ऊपर फैलाने छत पर। अब धूप देखिए कितनी बहुत तेज़ धूप है, और बहुत सारे कपड़े धुले थे, इधर टाइम नहीं मिला तो धुल नहीं पाए हम लोग, थोड़ा सा हम लोग क्या मैं ही नहीं, मैं नहीं धुल पाई। तो घर में कुछ ऐसी टेंशनें हो जाती हैं कि, और इधर मैंने ये खरबूजे का बीजा टांग रखा था तो ये देख रही थी, तो होता नहीं है सड़ा के धुला जाता है, तो वही धुलने के बाद मिट्टू लोगों को खाने को दूंगी, उनके लिए अच्छा रहेगा। ये जिमी के पास से मैं निकल रही थी, जिमी बैठा हुआ है, अभी पापा के खाने के दोपहर हो गया 12:30-1 बज रहा है, तो पापा को खाना दे रहा है। और मैंने खाने में बनाया था भिंडी की सब्ज़ी, तरोई की सब्ज़ी, रोटियाँ, सो पापा को दे दिया। और फिर दोबारा से मैं किचन में आई तो जो बर्तन धुले हुए रखे थे सब उसको लगाना, मतलब उसको अपनी जगह कर रही थी बर्तन। मैं मतलब ये दलिया जो रखी है, टॉप टब जो रखा है, इसमें धुल के ही बर्तन लगाती रहती हूँ, धुल के रख देती हूँ ताकि जब पानी सूख जाता है तब मैं जो बर्तन जिस जगह पे होते हैं उसी जगह कर देती हूँ। और यहाँ पे सारे बर्तन मैं लगा रही थी अपनी जगह उनकी जगह लगा के,
तो ये दिन में आधे काम कर लेती हूँ, ऐसे ही रात में भी ऐसा ही करती हूँ, ताकि जब शाम का रात का पूरा करके सुबह काम करना हो तो साफ मिलता है हमें अपना किचन। और इसी तरह मैं दोपहर में और सुबह जब करती हूँ तो दोपहर में कर लेती हूँ ताकि शाम को काम करूँ तो साफ़ सुथरा किचन मिले। तो दो से दो टाइम मतलब किचन को साफ सफाई तो करनी ही होती है कायदे से, बाकी तो कुछ बनाए तो थोड़ा बहुत तो झाड़ पोछ हो ही जाता है। तो इधर मैं सारे बर्तन मैंने फिक्स मतलब अपनी अपनी जगह लगा दिए, और ये बर्तन रखने के लिए टब है तो इस पर मैं बर्तन रखती हूँ धुल के। और खाना वाना मैंने पहले ही बना लिया, बाबू चले गए थे 8:30 बजे ही, बाबू को दे दिया था खाना, टिफ़िन दे के नाश्ता वास्ता करा के भेज दिया था। उनके जाने के बाद से ये मेरा काम होता है, जब वो चले जाते हैं उसके बाद मैं काम करती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भड़बड़ हो जाती है तो नहीं हो पाता है। तो सारा काम मतलब ये हो गया इधर, अभी थोड़ा सा काम बाकी था, फिर मैंने थोड़ा सा सेल्फ फिर साफ़ करी, क्योंकि बर्तन हटाने के बाद थोड़ा सा पानी रह जाता है वहाँ पे, तो ये जिसमें बर्तन रखती हूँ वो भी धो रही थी, तो साफ वाफ हो जाता है तो ठीक लगता है। और मेरा किचन कमरा झाड़ू पोछा मैं सुबह ही कर लिया, मैंने नहाने के पहले ही कर लिया, कपड़े पहले ही धुले थे। और इधर फिर मैंने देखा मतलब पानी नहीं है फ्रिज में, मतलब बोतल खाली रखी थी, तो फिर मैंने बोतलें भरी, थोड़ी बोतलें भर के मुझे फ्रिज में लगाना था, तो फटाफट। इतनी गर्मी हो रही है फैमिली, धूप मतलब धूप सुबह ही समझिए आप 10 बजे भी आप बाहर निकलो या 9:30 बजे भी आप बाहर निकलो तो इतनी जैसे लगेगा 12 बज रहा है। तो बोतलें मैंने सारी भर ली थी, 2-4 ही बोतल भरी, तो पानी फ्रिज में ख़त्म था। इधर आयुष पीयूष नाश्ता भी कर चुका है, उन लोगों को अभी खाना नहीं, नाश्ता पहले ही थोड़ा लेट करा था ना इन लोगों ने, अभी खाना हम लोग बाद में खाएंगे। पहले अपने यहाँ मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं आपने देखा है, तो उनको पहले खाने पीने को अभी उनको देंगे, मॉर्निंग में दे देते हैं लेकिन अभी दोपहर में फिर से देना होता है। तो यहाँ फ्रिज में मैं बोतलें लगा रही थी, छोटा सा मेरा फ्रिज है, तो अभी यहाँ पे मैं कपड़े ताने लगी। थोड़ा सा ये दिन होता है ना तो शाम का और सुबह का बहुत भड़बड़ होता है, तो दिन में जितना हो सकता है 1:30-2 बजे तक अपना जो काम निपटाने होते हैं ना तो मैं निपटा लेती हूँ, जो फुर्सत वाले काम फालतू वाले होते हैं। अभी काम करने के लिए घर में देखो तो बहुत सारे काम है, नहीं करो तो कुछ नहीं है। और सुबह शाम तो खाना ही बनने में ही पूरा टाइम निकल जाता, पता ही नहीं चलता, गर्मी भी इतनी होती है। तो मैं यहाँ पर सारे बउआ के कपड़े और इनके पापा के सबके कपड़े तहा के रख रही थी, ताकि मैं रख दूँगी उसको बाद में, उनको अपनी जगह रख दूँगी उस कमरे में रखने जाऊँगी। तो ये सारे कपड़े मैं सबके तहा रही थी, अपने भी तहाए सबके कपड़े। तो यही एक समय होता है, और हर घर की लेडीज़ें हर घर की औरतें ये काम सभी के ऊपर, लोग ये सोचते हैं घर में औरतें क्या करती हैं, तो भाई औरतें घर में रह के भी काम करती हैं, तो जो ये कहते हैं तो गलत है, क्योंकि वो भी हम लोग भी जो हर औरत मेहनत करती है अपने घर में। यहाँ पापा बाहर आ गए थे तो थोड़ा सा पर्दा बंद किया, बीच में कमरा है मेरा, तो फिर मैंने सारे कपड़े ता लिए। तो सारी औरतें करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, जैसे जेंट्स बाहर जाते हैं तो जेंट्सों का काम है, हमारे हस्बैंडों का काम है बाहर जाके घर के लिए पैसा कमा के लाना, उसी तरह हम लेडीज़ों का काम होता है घर को संभालना। तो औरतें जो हस्बैंड बोल देते हैं ना कुछ और अपनी औरतों को मतलब वाइफों को क्या करती हो दिन भर, तो यही है कि ये भी काम बहुत, एक दिन आप संभाल के देखो ना तो समझ में आता है घर का काम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाउस वाइफ भी मेहनत करती है गाइस,
फैमिली आप भी समझ सकते हैं, जो हाउसवाइफ मेरी जैसी होंगी। इधर मैं अपने चूहों को, चूहे के बच्चों को, सबको खीरा काट के दे रही थी, देखिए, और सब खीरा खाने के लिए खड़े हो गए। और ये काटते बिल्कुल नहीं हैं, मैं इनको छूती नहीं, मुझे थोड़ा सा डर लगता है, मतलब थोड़ा सा अजीब डर भी नहीं लगता, काटते भी नहीं हैं, लेकिन वो एक अजीब सा नहीं वो आ जाता है ऐसे घिजीजी ऐसा अजीब सा लगता है, बस उनके मुच्छे या उनका नाखून सा थोड़ा सा लगने लगता है। तो इनको सबको दे रही थी खाने के लिए। पीयूष भी खेल रहा था, पीयूष लेकिन नहीं बिल्कुल डरता, पीयूष का तो जब मौका पाता है ना तो खोल के निकालेगा। मुझे इस गेट में ताला लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि पीयूष अकेले में इसके इन लोग को निकाल के को पता चला दबा दे या पता नहीं क्या करने लगता है, अजीब सा खेलता है, एकदम से दबा देगा। तो फिर इन लोगों को मैंने खिला दिया, तो ये पिंजरे के अंदर है सब। और ये खीरा मैं काट रही थी यहाँ पे, अभी मैंने सोचा कि अपने मिट्ठू और देखिए इसने ले लिया क्यूटी ने, और इधर पेयर है दोनों, इन लोगों को भी दूंगी। तो ये बच्चे हैं, इनसे थोड़ा सा मैं बैठती हूँ इनके पास, थोड़ी बातें करती हूँ। और जब मुझे रात में नींद नहीं आती गाइस, पता है आपको बताऊँ तो रात में नींद नहीं आती बाई चांस, तो ये इन लोगों के पास बैठ के मैं बातें करती हूँ इनसे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये लोग कुछ बोलते हैं मतलब, और बड़े ध्यान से सुनते भी हैं, और कुछ तो बोलते हैं, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, मुझे समझ में भले नहीं आता लेकिन समझ में आता कि ये मुझे सुन रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। मैं बातें करती हूँ इन लोगों से और बहुत अच्छा लगता है इन, मतलब कहीं जाते हैं तो इनके बिना अच्छा नहीं लगता, इनकी याद आती है कि जल्दी से घर में जाना है, बच्चे हैं घर में, तो बस हमारे घर के सदस्य जैसे हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मासूम, क्यूट हैं। और शाम के समय सबको खोल देती हूँ, दिन में बंद रखती हूँ, रात में बंद रखती हूँ। और ये देखिए इधर मैं जिमी के लिए रोटी लेके गई, तो जिमी ने भाव दिखाया और जब मैंने रख दिया तब उसके बाद इसने खाया, देखिए मेरे जाने के बाद खाया इसने। और थोड़ा सा इसके पास खाते समय अगर इसको छू लो या कुछ भी तो बहुत तेज गुस्सा दिखाता है, गुर्रा देता है, तो मैं भैया खाना दे के उसको निकल ली वहाँ से। फिर यहाँ पर मैं, मेरे पास जो फाक ताक के बच्चे थे, मैंने दिखाए थे आपको दो दिन पहले वीडियोस में, उनके लिए खाना मैं तैयार कर रही थी। तो ये देखिए घूम रहे हैं और बड़े भी हो गए हैं, एक तो बड़ा एक छोटा है, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना, लग रहे ना कितने प्यारे, तो बहुत क्यूट है गाइस। उड़ भी रहे अभी तो, पर भी उड़ाने लगे हैं ये लोग, तो अभी पाल रहे हैं, देखिए जब इनका ये पल जाएंगे अपने आप को उड़ जाएंगे, क्या होता है पता नहीं। तो इनको मैं जो सत्तू, भुना हुआ चने का सत्तू बना के घोल के इंजेक्शन में भर के वही फीड करा रही हूँ, और तोट खोल देता है आयुष, उसी में डाल देते हैं और उनका मतलब पेट भर जाता है। दोपहर का खाना खिला रही थी, तो यहाँ से ही आगे हमारा वीडियो डी एंड, यहाँ में मैं थोड़ी आपसे बात करूँगी सामने से, तो ये म्यूट पे इसलिए लगा दिया कि काम करते करते बात नहीं होता है, इसलिए मैंने पहले आज का ब्लॉग आपको आपके साथ शेयर किया कि रूटीन मेरा कैसा रहता है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, कबूतर जैसा लग रहा बहुत ही मासूम होते हैं ये प्यारे प्यारे पंछी, बहुत ही सुंदर भी होते हैं, ये देखिए बहुत प्यारा है। मुझे तो बहुत, मुझे पहले नहीं करती थी, अभी इन लोगों से मुझे बहुत प्यार है। वैसे पंछियों को देख के अच्छा तो बहुत लगता था, लेकिन अभी इनसे जब से मैंने छोटे छोटे मासूम बच्चे इन लोगों को पाला है ना, जब से और प्यार हो गया है। आपने देखा मैंने सुबह से ही, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे तक मेरा ये ड्यूटी होता है, मैंने पूरी ड्यूटी आपको दिखाई नहीं, मतलब पूरा काम नहीं दिखाया, मैंने पहले से ही सारे काम कर लिए थे, बच्चों को चाय पहले ही बच्चे पी चुके थे, नाश्ता पानी दलिया बनाया था सबके लिए। और देखिए दोपहर के बज रहे हैं 1, पापा को भी मैंने खाना खिला दिया, बनाई थी तरोई और भिंडी की सब्जी, अभी
सबको, तोता, चूहा और ये हमारा जो पाकता का बच्चा है ना, उसे भी खाना खिला रहे हैं। सुबह खिला देते हैं मॉर्निंग में, अभी दोपहर में खिलाना होता है एक डेढ़ के बीच में, तो वही खिला रहे हैं। तो बच्चे खा रहे हैं और देखिए कितने एक्टिव हो गए और बड़े भी हो गए ना। उसे लाओ बाबू, इधर लाओ। तो यही है, रोज का रूटीन नहीं होता है। सुबह से छः से एक के तक का, मतलब ये टाइम होता है, एक बजे तक का टाइम होता है। दो बज जाता है मुझे खाना पीना खाते हैं। मैं सुबह ही, क्योंकि मैंने आज कपड़े वपड़े धो लिए, आपने देखे सुबह धुल लिए थे, नहाने के बाद और फैलाए, टाइम ही नहीं मिला, थोड़ा टाइम हो गया। तो मैंने सुबह चाय में पी ली थी, बाकी बच्चों के लिए दलिया बनाई थी, खाने में भी दोपहर भी हो गई। सुबह टाइम इतनी तेज भागता है काम वाला, समझ में ही नहीं आता। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अब तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, देखा करो लाइक कर दिया करो। तो मिलेंगे आपसे कल फिर से आपको नए ब्लॉग के साथ। ओके फैमिली, बाय, लव यू, बाय बाय।